हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन्फिनिक्स नॉट 40 प्रो 5G मोबाइल में किस तरीके से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। सेटिंग को ओपन करने के बाद स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा फिंगरप्रिंट, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से सेट स्क्रीन लॉक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन मिलेंगे, किसी भी एक को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं पैटर्न पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद एक पैटर्न डाल लीजिए अपने फ़ोन के लिए और कंफर्म कर दीजिए दोबारा से, और कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। डन करेंगे एंड डन करने के बाद यहाँ पर ऐड फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है और यहाँ से अपने फिंगर को स्कैन करवाना है। आपके डिस्प्ले में जो फिंगरप्रिंट दिया गया है इसको आप अच्छे से स्कैन करवा लीजिए। देखिए, यहाँ पर स्कैन करवा रहा हूँ मैं, आपको भी अच्छे से स्कैन करवा लेना है। जैसे आप फिंगर को स्कैन करवा लेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद आपका फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है। दूसरी फिंगर को यहाँ से ऐड कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फिंगरप्रिंट लॉक लगा कि नहीं। तो देख पा रहे हो, फिंगरप्रिंट आ चुका है और लगाते ही ओपन हो गया।